की लापरवाही का अंजाम भुगत रहे ग्रामीणों ने की सामूहिक रूप से कनेक्शन काटने की मांग। विद्युत विभाग की घोर लापरवाही का अंजाम भुगत रहे ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से की कनेक्शन काटने की मांग। दो साल पहले ग्रामीणों ने कराए थे विद्युत कनेक्शन, मीटर बने शोपीस, आज तक नहीं किए गए चालू। महीना होते ही थमा दिया जाता है भारी भरकम बिल। गाँव में रखे हैं 4 ट्रांसफार्मर जिसमें केवल एक ही चालू है, बाकी निर्जीव अवस्था में है, जिस कारण महीनों से सुचारू रूप से विद्युत व्यवस्था नहीं मिल रही। ग्रामीणों को सरीला क्षेत्र के पत्थुरी गांव का मामला, पूरा मामला हमीरपुर जिले के सरीला तहसील अंतर्गत आने वाले गांव पत्थुरी का है, जहां पर विद्युत विभाग की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है, जिस कारण लगभग 100 ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से विद्युत कनेक्शन काटने की मांग की है। आपको बता दें कि गांव में 2 साल पहले ग्रामीणों ने विद्युत कनेक्शन कराए थे, जिसके बाद मीटर तो सभी लोगों के दरवाजों पर लगा दिए, लेकिन सिर्फ कागजों में और शोपीस दिखाने के लिए मीटरों को आज तक विद्युत लाइन से नहीं जोड़ा गया। अनुमान लगाकर ही विभाग द्वारा भारी भरकम बिल ग्रामीणों को थमा दिया जाता है। बिल जमा कर देने के बाद भी ग्रामीणों को विद्युत सप्लाई सुचारू रूप से नहीं मिल रही है। गांव में विद्युत सप्लाई हेतु 4 ट्रांसफार्मर रखे गए हैं, जिनमें से सिर्फ एक ही चालू अवस्था में है, जिस कारण अधिक लोड होने से हर 2 दिन में वह खराब हो जाता है। यूं तो लाइट आती नहीं, और अगर आती भी है तो बहुत कम पावर, जिसमें बल्ब भी नहीं जलते और ना ही पंखा कूलर चल पाते हैं। क्या समस्या हो गई आपको? ऐसा भी ऐसा की है, लाइट नहीं आ रही गाँव में, हम परेशान हैं बहुत। 1800 रुपया लेकर जमा कर दे, हमें ये चाहती लाइट आ भी नहीं, अपना कनेक्शन कट जाए। अच्छा, लाइट नहीं तो आप कनेक्शन कटवा रहे हैं? हाँ, कटवा कर दिया जाए, नहीं तो जमा पैसा हम कर रहे हैं तो लाइट अंधेरे में पड़ रही है। तो कब से फिर लाइट नहीं आ रही है? 2 महीना हो गई सब। क्या दिक्कत हो गई है सर? लाइट नहीं आ रही है, हाँ, इसलिए जो बहुत परेशान रहते, गर्मियों के दिन हैं और लाइट बिल्कुल मिल नहीं रही, मिट्टी का ठेला वो भी बंद हो गया और हम लोग अंधेरे में रहते हैं। अब इसीलिए तो हम ये कह रहे हैं कि अब यहाँ से जो कनेक्शन काट लिए जाए तो अच्छे रहें। बिल हम जमा करते हैं, हमने जमा कर दिए हैं। बिल बराबर आ रहे हैं। लाइट कब से नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है अब मार्च के महीने। तो अधिकारियों को शिकायत की? अधिकारियों को शिकायत की थी सर, लेकिन वो नहीं सुन रहे। क्या कह रहे हैं वो? कभी बराबर देते, कहते आएगी लाइट, लेकिन आज तक लाइट नहीं आई। ग्रामीणों को इस लॉकडाउन में अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ता है, और ग्रामीणों ने बताया कि जो समस्या को लेकर कई बार उपखंड कार्यालय सरीला में व उप जिला अधिकारी सरीला को प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, जिसमें सिर्फ लाइनमैन को कर सिर्फ खाना पूर्ति करा दी जाती है और 2 दिन बाद फिर से उसी समस्या से जूझना पड़ता है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने कहा है कि अगर गांव की विद्युत व्यवस्था चालू नहीं होती है तो हम सभी लोगों की कनेक्शन काट दिए जाएं। इस बारे में समस्त ग्रामीण विद्युत SDO सरीला को शुक्रवार के दिन ज्ञापन भी दे चुके हैं। आपका? मेरा नाम संजय साहू। क्या दिक्कत हो गई है? सर यहाँ बिजली की समस्या को लेकर हम लोग बहुत परेशान हैं, उसी को लेकर आज हमारा पूरा गाँव सामूहिक रूप से एकत्रित हुआ है। और अभी 2 दिन पहले हम SDO साहब को भी ज्ञापन दिया, और इसके पहले दिसंबर में भी हम उनको ज्ञापन दे चुके हैं। उन्होंने अपने 2 कर्मचारी भेजे और थोड़ा सा कार्य करके अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके चले गए। उस दिन से लेकर 6 महीने से आज तक बराबर उनके कर्मचारियों को हम पैसा दे रहे हैं, आते हैं और प्रतिदिन लाइट ठीक करके चले जाते हैं, और प्रतिदिन इसी समस्या से जूझ रहे हैं। जितना बिल हम दे रहे हैं उतना बिल के ही बराबर उनके कर्मचारी इतने भ्रष्ट हैं कि उनको हम बिल से भी दोगुना उनको पैसे दे रहे हैं। मजबूरी हमारी, क्योंकि कर्मचारी सुन नहीं रहे हैं। तो पैसा किस बात का दे रहे हैं आपको? पैसा सर बिजली ख़राब हो जाती है, कर्मचारियों को हम शिकायत करते हैं, कर्मचारियों को जानकारी देते हैं, अधिकारी सुनते नहीं है, मजबूरी बस। और हमारे यहाँ कोई सुविधा नहीं है, 4 ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, एक भी ट्रांसफार्मर चालू नहीं है, एक ही ट्रांसफार्मर है, तो उससे लाइट की आपूर्ति होती है गाँव की, और जब वो ख़राब हो जाती है तो मजबूरी में हमें उसको पैसा देना पड़ता है कर्मचारी को, कर्मचारी आते नहीं है बिना पैसे के। तो लाइट आ रही है? नहीं सर, अभी लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल, लाइट 4 महीने से इतने लोग परेशान हैं। तो फिर आप क्या चाहेंगे इसके लिए? हम चाहते हैं कि सरकार हमें जो वादा करती है कि अच्छे दिन आएंगे, तो वो अच्छे दिन हमारे गांव में तो नहीं। हम चाहते हैं कि हमारी विद्युत पूर्ति पूरे गांव में अच्छे से हर घर में बिजली पहुँचे। तारों की बहुत ही ज़्यादा ख़राबी है, सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाओ, जब बिजली नहीं आएगी तो बच्चे कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेंगे? स्कूल कॉलेज सभी बंद पड़े हुए हैं, रात में घर से निकलना मुश्किल हो गया है, कीड़े बिच्छू सांप और मिट्टी का तेल भी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है, वो भी नहीं मिलता है, रोशनी घर में कैसे होगी? छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं हम लोग। राज बहादुर अनुरागी। आपको क्या दिक्कत होगी, यहाँ क्यों इकट्ठे हुए आप लोग? ये हमें जो लाइट की समस्या, विद्युत की समस्या है, जो
और सारा कम से कम 2.5 महीने 2 महीने से परेशान है लाइट के बारे में, और हमारे यहाँ लाइट नहीं आती, इसलिए हम अपने घर और कमरा छोड़ करके सब लोग इकट्ठे हुए बरगद की छाए के नीचे। क्या रोज़ इकट्ठे होते हैं क्या आज ही हुए? नहीं, आज लाइट की समस्या आया, सब लोगों ने सोचा कि लाइट का या तो कनेक्शन काट दिए जाए और जो या फिर जो हमारी लाइट सही होनी चाहिए। पूरा गांव चाहता है कि लाइट। हाँ, पूरे गांव तभी तो इकट्ठा हुआ बरगद की छाए के नीचे। तो लाइट नहीं आने के कारण गांव में और क्या क्या परेशानी बढ़ रही है? देखो, यहाँ पर जो है मच्छर लगते हैं, आदमी बीमार होंगे, बुखार आएगा, बच्चे बाल बच्चे सब लोग परेशान हैं गर्मी के मारे और मच्छर के मारे। लाइट नहीं आती, ना पंखे चलते ना कूलर चलते हैं, इसलिए हमने सब ने सोचा इकट्ठे बैठ करके कुछ विचार विमर्श करें, जो कनेक्शन काट दिए जाए या फिर लाइट सही हो जाए। फालतू में जो हम लाइट का बिल भर रहे हैं।